ये गांव बाड़ा क्या ITI एक जहां पर ये कैंप लग रहा है और दिस इज द कैंप स्वर्गीय मास्टर रामनाथ शर्मा जी की यादगार में मुफ्त कैंप. सो वी हैव विद अस, हमारे साथ हैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष रवि शर्मा जी और साथ में प्रवीण जी हैं, ये प्रदीप जी सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब के, और सीनियर रोटेरियंस डॉक्टर मल्होत्रा हमारे साथ, राकेश ठाकुर एंड राकेश हांडा जी, सुरेश हंडा जी और राजीव जी. राजीव जी से आपका परिचय ये करवा दूं कि इस कार्यक्रम के जो इस मेडिकल कैंप के आयोजक हैं वो इन्हीं के प्रयासों से यहाँ होता है. पिछले तो शर्मा जी बताएं किस तरह ये मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कैसा आपको लग रहा है. रोटरी क्लब हमीरपुर की सौजन्य से आज गाँव बाड़ा बिजड़ी में मास्टर स्वर्गीय मास्टर रामनाथ शर्मा जी की याद में हर साल रोटरी यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन करती है. इस साल भी इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे राजीव भाई की सौजन्य से इनकी तरफ से ये कहा गया कि इस गांव इन चार पांच गांव को ये मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए, तो इसके उद्देश्य से ही हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया. इसमें लगभग करीब 200 के करीब जो रोगियों की जांच की गई, जिसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने जांच की, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर, स्किन वाले और डेंटल सर्जन, आईस वाले और कार्डियकेयर के, इन्होंने सब के रोगियों की जांच की. तो भोज भी खाने का भी, और हमारे राजीव भाई की तरफ से सबके लिए भोजन का भी आयोजन किया गया, प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया, जो भी चेक कराना है 200 भी चेक कराना है ज्यादा. तो हाँ जी, इसमें दवाइयों का कैसे रहता है? दवाइयां और जो टेस्ट है सारे फ्री किए गए जी, और इसका खर्चा जो है वो रोटरी क्लब हमीरपुर जो है वो बहन करता है जी. तो रोटेरियंस को बहुत बहुत बधाई फॉर दिस नोबल कॉज. और रोटरी क्लब ये तो हर साल हम जो है कैंप लगाते रहते हैं, दो तीन कैंप, और इस बार भी ये अपने राजीव जी ने, इनका ये बड़ा योगदान रहता है, हर साल ये सबको खाना खिलाते हैं गाँव के लोगों को. और रोटेरियन भी जो हमारे भाई बंधु वॉलंटियर्स आए हैं इनका भी खास ख्याल रखा जाता है. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब, अभी तक अप्रोक्सीमेटली कितने पेशेंट आप देख चुके हैं? 100+. और आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस किस डिजीज से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने में आ रहे हैं? हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज के पेशेंट हैं ज्यादा, और आर्थराइट्स के, ऑस्टियोआर्थराइट्स के ज्यादा है. ओके, तो क्या ये इस एरिया में ये प्रोन है ये फॉर दिस, या इन जनरल ये एरिया? हाइपरटेंशन, डायबिटीज जो है ग्लोबल डिजीजेस है, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है. तो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में अब एपिडेमिक चल रहा है इसका, वर्ल्ड वाइड ऐसी डिजीज है, सेम पैटर्न है, बट है यहाँ पे कॉमन है हाइपरटेंशन, डायबिटीज. क्या 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 रीजंस रहते हैं बेसिकली ये जो हाइपरटेंशन के ज़्यादा रीजंस, क्या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं लोग? लाइफस्टाइल मेन चीज़ है, लाइफस्टाइल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है वो डाइटरी हैबिट्स. ओके, डाइट में एक्सेसिव फ्राइड फूड्स कंज्यूम करना, बाहर के फूड ज़्यादा लेना. ओके, क्या साल्ट इनटेक हमारी ज़्यादा बढ़ी है, हम ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, उनमें काफ़ी साल्ट इनटेक होता है, और शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा खाते हैं हम, शुगर के आइटम ज़्यादा लेते हैं. जंक फूड कितना रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जंक फूड में बहुत साल्ट कॉन्टेंट होता है, शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो एक मेजर कॉज है. ये जो डिजीज है इनमें लाइफस्टाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन विलेज एरियाज में जो है, रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि जंक फूड इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीज़ हो रही है तो वट इज़ एडवाइजेबल?
साल्ट इनटेक कम कर लेना है, ऐसे नॉर्मल जो भी हम फूड में साल्ट खाते हैं वो कम खानी है, शुगर कम करनी है और एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है, ये मेन रीजन से ही है। वैसे गुड नेम डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुभ, यू आर फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, आप मीरपुर से हैं? ओके थैंक सर, नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको पिछले 11 साल से। राजीव जी, किस तरह ये विचार आया और कैसे ये हेल्थ कैंप यहाँ आप दूर दराज क्षेत्र हमीरपुर का जो ये गांव है बिजली से आगे पाड़ा यहाँ पर लगा रहे हैं, कैसे ये प्लान किया गया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है बाड़ा, ये हमारा पैतृक गांव है, मैं यहीं पे जन्मा हूँ और ये हमारा विचार इस करके आया यहाँ पे कैंप लगाने का कि हमारे यहाँ पे काफ़ी जो चिकित्सा की सुविधाएं थी वो अभाव था यहाँ पे, तो हमने सोचा कि रोटरी क्लब के माध्यम से हम यहाँ पे एक कैंप लगाया करें, क्योंकि रोटरी क्लब में तो हम मेडिकल कैंप हमीरपुर रोटरी क्लब के थ्रू लगाते ही रहते थे, तो फिर अब हम इस कैंप को पिछले 11-12 साल से रेगुलर लगाते आ रहे हैं और इस कैंप को मैं फिर अपने पिताजी की याद में, मास्टर रामनाथ शर्मा जी की याद में एक यहाँ पे कैंप हम हर साल लगाते रहते हैं, तो इससे और इसके लिए मैं रोटरी क्लब हमीरपुर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो वहाँ से डॉक्टर्स को अरेंज करके यहाँ पे अलग अलग तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर हर वर्ष आते हैं और ये कैंप जो है यहाँ पे लगता है। इस कैंप में लगभग 200 से 250, 300 जब सबसे पहला कैंप लगा था 2015-16 में, तो उस टाइम यहाँ पे कोई 450 के करीब के पेशेंट्स थे। इस बार भी हमारे इस कैंप में पेशेंट्स जो हैं वो लगभग कोई 250 के 200 के करीब के पेशेंट हैं इस बार भी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अनिल वर्मा, हाँ जी, कैसे फील कर रहे हैं इस रूरल एरिया में कैंप लगाकर? हाँ नहीं, मैं तो लास्ट ईयर भी आया था क्योंकि मैं रोटरी क्लब से का मेंबर भी हूँ और इस तरह के जो मेडिकल मिशंस मेडिकल कैंप हैं मैं रेगुलरली लगाता हूँ और आज जो पेशेंट जो देखे हैं हमने आईज़ के ज़्यादा, क्योंकि अप्रैल का मौसम है एलर्जी के ज़्यादा केसेज हैं, जैसे अभी आने वाला टाइम आएगा आप देखेंगे जब बरसात शुरू होगी और कंजंक्टिवाइटिस होगी, पर कुछ पेशेंट ऐसे थे जो जिनको सफ़ेद मोतिया था जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है, तो आज हमने राजीव जी के साथ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की जाए फ्री करेंगे। ओके, आप उनको हॉस्पिटल बुला लेंगे मेडिकल कॉलेज और वहाँ, क्योंकि हम रूटीन में कर रहे हैं बिल्कुल, ओके, साल में करीब 1,500 से 2,000 तक सर्जरी कर देते हैं। यहाँ आपको बता दें हम डॉक्टर अनिल वर्मा आरके डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज में आईस एक्सपर्ट हैं और पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे पास मिस्टर एस के धीमान भी हैं, रोटरी से चीफ इंजीनियर हैं ये रिटायर हुए और रोटरी के साथ जुड़े हुए हैं। धीमान साहब कैसा लगता है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करके? अमर साहब इस कैंप में शामिल होके और ऑर्गेनाइज करके एक दिल को संतुष्टि मिलती है और खुशी होती है कि हमारे जो रूरल एरिया के जो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको कम से कम अपनी प्रिलरी जो कोई अगर ऐसी डिसीज है तो उनका पता लग जाता है और यहाँ पे हमारे बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं जो कि इनको वहाँ तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम थैंकफुल हैं राजीव भाई के भी और सारी रोटरी टीम के और डॉक्टर साहबान के, उन्होंने इस कैंप के लिए अपना टाइम स्पेयर किया। थैंक यू सो मच।